गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? फाइन। टुडे विल वील टीच हिंदी सब्जेक्ट। आज मैं आपको हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी, उसमें पढ़ाऊंगी वर्ण पहचान कर सही चित्र में रंग भरना। आपको अक्षर देखना है और उसमें से चित्र को पहचाना है, क्या अक्षर से रिलेटेड कौन सा चित्र है उसको पहचान के आपको रंग भरना है। और मैं त्योहार से संबंधित प्रश्न और सब्जियों के नाम और फूलों के नाम भी साथ साथ बताऊंगी और पोयम भी बताऊंगी। ओके स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं। वर्ण पहचान कर सही चित्र में रंग भरो। ये देखिए, ये कौन सा अक्षर है? ये वर्ण कौन सा है? अ से अनार, है ना। अब यहाँ पे कौन सा है अनार का चित्र? देखिए कहाँ पे, ये है क्या कि ये है कि ये है, बताइए कौन सा? ये तो इसमें आपको ऐसे रंग भरना है, ठीक है। इस तरह से आपको रंग भरना है, कोई सा भी रंग भर सकते हैं। जैसे मैंने लाल रंग पकड़ा है तो आप इसमें कोई भी कलर कर सकते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा में क्या है, आ से आम। ये है क्या आ से आम? ये है, तो इसमें आप भरेंगे रंग, आ से आम में रंग भर दीजिए। इस तरह से आपको रंग भरना है पूरा। उसके बाद बोल रहा है ई से इमली, तो ई से इमली कौन सा है? ये, तो इसमें रंग भरेंगे हम इस तरह, ठीक है। फिर उसे उल्लू, तो ये है उसे उल्लू, उल्लू में लगा दीजिए। उसे उल्लू में रंग भरेंगे। फिर उसके बाद दिखा है ई से इक, तो ई से इक ये है, तो इसमें रंग भरेंगे ऐसे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में आपको दिया है ऐसे ऐनक में गोला लगाओ। आपको ऐसे ऐनक बताया जाएगा, देखिए यहाँ पे चित्र बना के मैंने रखा है ऐसे ऐनक। इसमें आपको क्या करना है? गोला लगाना है। ऐसे ऐनक में क्या लगाना है? गोला। सॉरी, मैंने यहाँ पे हेडिंग नहीं लिखा है, अभी हेडिंग लिख दिया जाता है। ऐसे ऐनक में गोला लगाओ, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया ऐसे ऐनक में गोला लगाओ। आपको ऐसे ऐनक का चित्र दिख रहा होगा, उसको पहचानना है और उसमें गोला लगाना है, है ना। ये देखिए, जैसे ये है ऐसे ऐनक, ये तो इसमें आपको गोला लगाना है। ढूंढिए ऐसे ऐनक, ये है तो इसमें गोला लगा देंगे। ये है गोला, ऐसे ऐनक, ऐसे ऐनक, ऐसे ऐनक, ऐसे ऐनक, ठीक है। ये वाला वर्क कंप्लीट होता है बेटा। आइए मैं आपको ओरल बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे ओरल में दिया है त्योहार के बारे में। दीपों का त्योहार किसे कहते हैं? तो क्या बोलते हैं हम दीपों का त्योहार किसे कहते हैं? दीपावली। दीपावली में कौन से भगवान की पूजा करते हैं? तो क्या किसकी पूजा की जाती है? लक्ष्मी जी की। नेक्स्ट में दिया है फूलों के नाम, है ना। हमारा राष्ट्रीय फूल कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। सूरजमुखी का रंग क्या है? तो क्या है? पीला। फूलों के नाम गुलाब, कमल, गेंदा, सूरजमुखी, मोगरा। फूलों के नाम गुलाब, कमल, गेंदा, सूरजमुखी, मोगरा। कौन सा फूल है जो पानी में खिलता है? कौन सा फूल है जो पानी में खिलता है? कमल। फूलों का राजा कौन होता है? फूलों का राजा कौन होता है? गुलाब। नेक्स्ट पेज में दिया है सब्जी। कौन सा सब्जी है जो खाने में कड़वा लगता है? तो क्या लगता है? करेला। कौन सा सब्जी है जो सबसे बड़ा होता है? आपने एक बार मार्केट गया होगा, मार्केट में देखे बहुत बड़ा सब्जी रहता है, सबसे बड़ा सब्जी कौन सा आपको पता है? कद्दू। कद्दू खाते हो कि नहीं खाते? वो सबसे बड़ा सब्जी है। आइए हम पोयम पढ़ते हैं, वर्षा। पोयम 7, वर्षा, पेज नंबर 20 ओपन करते हैं हम। वर्षा के बारे में पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे नारियल के बारे में। वर्षा के बारे में आइए पढ़ते हैं। पोयम 7, वर्षा। घर, नगर, नहर, शहर, सब जगह जल बरस,
नभ कड़क मन हरस जल बरस जल बरस। एक बार आइए रिपीट करते हैं। घर नगर नहर शहर सब जगह जल बरस, नभ कड़क मन हरस जल बरस जल बरस। ओके स्टूडेंट, टुडेज वर्क कंप्लीट। थैंक यू।